रमन और अमन दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:1। 31 मार्च 2019 को इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से आपको दे रखी है। लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है ₹7,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं ₹18,000। बिल्स पेबल है ₹47,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं ₹1,02,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ₹55,000 और इनकी कैपिटल्स हैं ₹3,00,000 एंड ₹1,50,000। एसेट साइड में बैंक बैलेंस है ₹24,000, बिल रिसीवेबल है ₹80,000, डेटर्स है ₹95,000, स्टॉक है ₹14,000, फर्नीचर है ₹70,000, मशीनरी है ₹2,00,000 और लैंड एंड बिल्डिंग है ₹1,96,000। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको लायबिलिटी साइड में दे रखा है। आमतौर पर उसको डेटर में से माइनस करके दिखाया हुआ होता है, बट यहाँ पर आपको लायबिलिटी साइड में दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने अबाउट डेट पे ही सुमन को नया पार्टनर बनाया। इनके नए पार्टनर का नाम है सुमन। सुमन को इन्होंने 1/5 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया है। सुमन जो है वो ₹2,00,000 तो वो कैपिटल लेकर आई है, ₹2,00,000 अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आई है और अपने हिस्से की गुडविल प्रीमियम वो कैश में लेकर आएगी। और ये जो पूरे फॉर्म की गुडविल दे रखी है आपको ₹1,00,000 दी हुई है। ये 1,00,000 पूरे फॉर्म की है, उसके हिस्से की गुडविल निकालने के लिए इसका 1/5 कर दीजिएगा, वो आ जाएगा ₹20,000। क्लियर बच्चों? उसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 18,000, इनको हम पे ऑफ कर देंगे। ठीक है बच्चों, आप सिर्फ यहां पे ऑफ लिखा है, यानी कि पूरा ही पे करेंगे, ना कम ना ज्यादा। ठीक है बच्चों, उसके अलावा कहा है कि जो डेटर्स हैं उसमें 5,000 जो है वो बैड हो गए हैं, दे हैव बीन प्रूव बैड। और साथ के साथ आपको 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी मेंटेन करना है। तो ये डेटर से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है। इन्होंने आपको बताया हुआ है कि डेटर्स ऑफ 5,000 प्रूव बैड और जो डेटर्स बचेंगे उन पे आपको 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी क्रिएट करना है। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले से ही ₹7,000 भी है। उसके अलावा आपको ये देखा है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसके अगेंस्ट जो लायबिलिटी है वो है ₹60,000। रिजर्व केवल 55,000 का है और उसके अगेंस्ट लायबिलिटी है ₹60,000 की। ठीक है बच्चों, फिर आपको बताया गया है कि जो मशीन है उसे डेप्रिशिएट करना है बाय ₹18,000। मशीनरी को आपको ₹18,000 डेप्रिशिएट करना है यानी डिक्रीज करना है और लैंड एंड बिल्डिंग को ₹54,000 डेप्रिशिएट करना है। इतने पॉइंट्स आपको दे रखे हैं बच्चों। क्लियर बच्चों, अब आपसे कहा गया है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन एडमिशन ऑफ सुमन। तो क्या क्या एंट्रीज बनेंगी बच्चों, पहले उस बात को समझ लीजिए, फिर हम एंट्रीज बना भी देंगे। आप सबसे पहले एंट्री बनाइएगा नया पार्टनर जो कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया है उसकी। 2,00,000 कैपिटल आया है, 20,000 वो प्रीमियम लेकर आया है। ठीक है बच्चों, फिर अगली एंट्री आप बनाइएगा इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की बिटवीन रमन एंड अमन, और उनके ओल्ड रेशियो को ही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लीजिएगा। तो दो एंट्री तो ये हो जाएंगी बच्चों। फिर आप उन सारे पॉइंट्स की एंट्रीज बनाइए जो आपको आगे दे रखे हैं। जैसे कहा गया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर दिया जाएगा, तो उसकी एंट्री आप जब बनाएंगे तो एंट्री बनेगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, फिर जो डेटर आपके बैड प्रूव हुए हैं आपको उसकी एंट्री बनानी है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 5,000। क्लियर बच्चों, फिर इस बैड डेट्स को हम पुराने प्रोविजन से ही खत्म कर सकते हैं क्योंकि पुराना प्रोविजन 7,000 है और बैड डेट्स केवल 5,000 थे। तो बैड डेट्स अकाउंट को खत्म करने की एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। ये एंट्री भी आपको ₹5,000 से बनानी है। ठीक है बच्चों, अब पुराना प्रोविजन आपका बचेगा केवल ₹2,000। फिर आप अगली एंट्री प्रोविजन से रिलेटेड बनाने से पहले नया प्रोविजन कैलकुलेट करिएगा। नया प्रोविजन जो आप कैलकुलेट करेंगे वो डेटर के 95,000 में से पहले बैड डेट्स के 5,000 कम कर दीजिएगा,
उसका 5% निकालेगा जो बचेगा, यानी कि 4500। जो नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकल कर आएगा वो ₹4500 होगा, और पुराना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो केवल 2000 बचेगा बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के बाद, उसको आप इस नए प्रोविजन से कंपेयर करेंगे तो आपको साफ नजर आ रहा है कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फर्दर आपको ₹2500 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो उसको ध्यान रखिएगा उसको बढ़ाने का। वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है वो ₹60,000 है, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व केवल 55,000 है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करिएगा 55,000, जितना क्लेम वो कवर नहीं कर पा रहा उसके लिए रिवॉल्यूशन को डेबिट करिएगा 5,000, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट कर दीजिएगा विद ₹60,000। ठीक है बच्चों, अगली एंट्री आप बनाएंगे मशीनरी को और लैंड बिल्डिंग को डिक्रीज करने की, उसके लिए रिवॉल्यूशन को डेबिट करना होगा और इन दोनों को क्रेडिट करना होगा, किस अमाउंट से वो यहाँ आपको बता रखा है। ठीक है बच्चों, फिर फाइनली आपको ये चेक करना होगा कि आपको ओवरऑल रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस, जो भी होगा उसको उसके हिसाब से पार्टनर्स के पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इतनी एंट्रीज बनेंगी बच्चों, आइए जो जो मैंने एंट्रीज आपको बताई है उनको देख भी लीजिए। तो बच्चों सबसे पहले जो एंट्री आप बनाएंगे वो बनेगी नया पार्टनर जो कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया उसकी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुमन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सुमन के कैपिटल में लिखेगा 2 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेगा 20,000 और बैंक में लिखेगा 2,20,000। अगली एंट्री जो आप बनाएंगे वो इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की बनाई जाएगी। ठीक है बच्चों, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बनाइएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट। 20,000 को इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दीजिएगा, जो कि 3:1 ही है, उनका ओल्ड रेशियो को ही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानते हुए। तो दूसरी एंट्री ये बन जाएगी बच्चों। क्लियर बच्चों, आइए अब आगे की एंट्रीज देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आप पे ऑफ करेंगे उसकी एंट्री बना लीजिए। उसकी एंट्री बनेगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और वो 18,000 थे, वो पूरे 18,000 से ही एंट्री बनाइएगा। ठीक है बच्चों, अगली एंट्री आप बनाएंगे जो बैड डेट्स हुए थे, डेटर जो बैड प्रूव हुए थे उसकी। तो इसकी जो है पहली एंट्री तो बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, जितने डेटर आपके बैड प्रूव हुए थे 5,000। उससे अगली एंट्री आप बनाएंगे इन बैड डेट्स को पुराने प्रोविजन से खत्म करने की। ठीक है बच्चों, अगर पुराना प्रोविजन बैड डेट्स के अमाउंट से ज्यादा होता है या उसके एटलीस्ट बराबर भी होता है तो बैड डेट्स को पुराने प्रोविजन से ही खत्म किया जाता है। इस सीक्वेंस को ध्यान रख लीजिएगा बच्चों। अब इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि पुराना प्रोविजन आपका जो बचा है वो है केवल ₹2,000। ठीक है बच्चों, और बच्चों जो नया प्रोविजन आपको निकालना है वो इस तरह से निकालना है, मैं दोबारा बता देता हूँ। डेटर्स में से आप जितना बैड डेट्स हुआ है उसे माइनस कर दीजिए इनटू रेट ऑफ न्यू प्रोविजन। नया प्रोविजन इस तरह से ही निकाला जाता है, ये आ जाएगा ₹4,500। अब जो आपका पुराना प्रोविजन बचा था वो केवल 2000 है, था वो 7000, 5000 तो उसको बैड डेट्स को राइट ऑफ करने में यूज हो गया, तो बचा केवल 2000। अब इस 2000 को आपको 4500 तक लेके जाना है, क्योंकि पुराने प्रोविजन को नए प्रोविजन के बराबर तक लाना होता है। ऐसा करने के लिए आपको प्रोविजन फर्दर इंक्रीज करना होगा विद ₹2,500। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 2500 होगा ये। ठीक है बच्चों, अब जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था उसकी एंट्री को समझ लीजिए। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो केवल 55,000 था, और क्लेम जो था रिवॉल्यूशन उसका वर्कमैन कंपनसेशन का वो था 60,000। तो 5,000 आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट में भी डेबिट करना होगा,
एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 55,000, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 5,000, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 60,000। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो लास्ट पॉइंट था कि मशीनरी को 18,000 कम करना है और आपको लैंड बिल्डिंग को 54,000 कम करना है, तो उसके लिए रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट का कम होना नुकसान होता है, नुकसान से आपका रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट और डेबिट होता है, और एसेट जब खुद कम हो जाती है तो वो क्रेडिट की जाती है। मशीनरी को 18,000 से और लैंड बिल्डिंग को 54,000 से क्रेडिट करिए, रिवोल्यूशन अकाउंट को 72,000 से डेबिट करिए। ठीक है बच्चों, अब सारे पॉइंट्स हो गए रिलेटेड टू रिवोल्यूशन। तो अभी तक आपका रिवोल्यूशन देखिए बच्चों कितने कितने अमाउंट से डेबिट हुआ, सिर्फ डेबिट ही डेबिट हुआ था। ये जो एक्स्ट्रा प्रोविजन आपको क्रिएट करना पड़ा था उसके लिए, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जितना एक्स्ट्रा आया था उसके लिए, ठीक है बच्चों, और 72,000 अब डेबिट हुआ मशीनरी और लैंड बिल्डिंग की वैल्यू में कमी आने की वजह से। तो 72,000, 77,000, 79,500, तो ये आपका ओवरऑल रिवोल्यूशन लॉस आ गया। ठीक है, आपने जितनी भी एंट्रीज बनाई हैं आप देख सकते हैं उनमें रिवोल्यूशन एक बार प्रोविजन के टाइम पे डेबिट हुआ था जब हमें प्रोविजन क्रिएट करना पड़ा था, एक बार वर्कमैन कंपनसेशन के टाइम पे डेबिट हुआ था, और अभी डेबिट हुआ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जब आपने पे ऑफ करे थे बच्चों वहाँ पे रिवोल्यूशन का कोई रोल नहीं था, क्योंकि आपने पूरे पूरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे कर दिए थे। अब आप इस रिवोल्यूशन लॉस को रमन और अमन में बांट दीजिए, तो जब रिवोल्यूशन लॉस पार्टनर्स में बांटेंगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा 79,500 से। तो बच्चों रमन के हिस्से का जो लॉस आएगा वो आएगा 59,625, और जो अमन के हिस्से का लॉस आएगा वो आएगा 19,875। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये रिवोल्यूशन लॉस पार्टनर में बढ़ जाएगा और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।